गत दिनों हुई भारी बरसात और बादल फटने की घटनाओं ने रामपुर की कूट पंचायत को बाकी क्षेत्र से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है, जिससे यहां के लोगों को भूखों मरने की नौबत आ गई है। स्थानीय लोगों में इस बात का मलाल है कि दुख की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक किसी ने उनकी सुध लेने की जहमत तक नहीं उठाई है। शिमला जिला की दुर्गम पंचायत कूट में बादल फटने के बाद जनजीवन पटरी से उतर गया है। लोग राशन की कमी के कारण दिन में एक समय ही भोजन कर समय निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि कूट पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाला मार्ग 4 अगस्त को भारी वर्षा के बाद अवरुद्ध हो गया था। लोगों को उम्मीद थी कि मार्ग जल्द खुल जाएगा, लेकिन 17 अगस्त को बादल फटने से क्षेत्र में और तबाही मच गई। कूट पंचायत के उपप्रधान मोहर सिंह ने बताया कि बादल फटने के बाद उनका हाल जानने कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा और ना ही कोई मदद मिली है। उन्होंने इस क्षेत्र के मार्ग को जल्द खोलने की सरकार से मांग की। मोहर सिंह ने बताया कि कूट पंचायत के आखिरी गांव किनफी की तो हालत और भी बदतर है। आपस में गांव को जोड़ने वाले सभी पुल ध्वस्त हो गए थे। स्थानीय लोगों और पंचायत की मदद से कूट खड पर अस्थायी झूला बनाया गया है। ये देखिए, सबसे लास्ट गांव कूट पंचायत का गांव किनफी है, तो अभी 4 तारीख से रोड बंद है। यहाँ पर कोई आने जाने का सुविधा नहीं है। यहाँ हमारे पास राशन भी नहीं है, तो यहाँ प्याज तो कहाँ मिलना, राशन भी नहीं मिल रहा है। तो पिछले मैं चाहता हूँ कि प्रशासन जल्द से जल्द इस रोड को बहाल करें, नहीं तो हम बिल्कुल कटअप है। यहाँ बहुत मुश्किल है। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति आज तक यहाँ नहीं आया, हमारे को बिल्कुल कटअप कर रखे है। इसलिए सरकार से मांग करता हूँ, जल्द से जल्द इस रोड को बहाल करने की कृपा करें। सरकार की ओर से अब तक कोई मदद नहीं दी जा रही है और ना ही वैकल्पिक पैदल मार्ग को ठीक कर राशन पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। वर्तमान में लोग खिमपूर्ण से पैदल मार्ग में 4 से 5 घंटे का सफर कर कूट पहुंच रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का रास्ते पर चलना असंभव है। के बाद हमने गाँव वालों ने मिलकर एकजुट एक रास्ता लगाया, जिससे हम झूला बना के हम ट्रॉली लगाई, बंदों को हमने यहाँ पे लाया गया, पर वो कभी भी टूट सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है कुछ, लेकिन यहाँ पे कोई प्रशासन जी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे रोड रुका है, ना आते हैं ना कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। कि घटना 17 तारीख की, अभी तक 8 दिन हो चुके हैं घटना होने के बाद बादल फटने के, वहाँ कई 5-6 पुल गए, तो अभी तक ना प्रशासन का कोई अधिकारी आया, ना प्रशासन से हमें कोई मदद मिली है। राशन की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने आजकल लोग खाना भी एक टाइम खा रहे हैं क्योंकि राशन की व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक रोड की बात है, हिमाचल जो हमारा रोड था PWD का, वो 4 अगस्त से बंद पड़ा था। हमने सोचा कि खुल जाएगा, राशन की व्यवस्था हो जाएगी, अभी तक रोड खुल नहीं पाया 4 अगस्त के बाद। अभी कोई भी ऐसे प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं। खाली एक दिन हमारे पटवारी साहब कूट पहुँचे थे, तो ना अभी हमें कोई फौरी रात नहीं मिल रही कि जो भी रास्ते क्षतिग्रस्त हुए कि उनके ठीक मरम्मत के लिए। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे कूट पंचायत के लिए जो क्षतिग्रस्त रोड है रास्ते उनके। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।